अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में रामलला के स्वागत की धूम है। अयोध्या के राम मंदिर में स्वागत की तैयारियां पूरी चल रही हैं और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। वहीं कानपुर नगर में इसी को देखते हुए भक्तों का जगह जगह जश्न का माहौल देखने को मिलता है। वहीं मार्केट में राम जी के नाम के झंडा हो या फिर कोई राम नाम का गमछा ही क्यों ना हो, मार्केट में हर जगह सब चीजों में डिमांड में लगातार बढ़ती चली जा रही है। व्यापारियों से बात करने पर पता चल रहा है कि हर रोज हजारों झंडे हजारों गमछे बिकते हैं। वहीं हर कोई चाहता है कि आने वाले 22 जनवरी को मैं कुछ ऐसा करूं कि वह दिन हमेशा यादगार रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुजीत कुमार वाजपेयी। क्या लग रहा है 22 तारीख को जो कार्यक्रम है उसको आप किस तरह से मनाएंगे? 22 तारीख का कार्यक्रम इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। 500 साल से जो हमारे भगवान थे वो भी तंबू में बैठे थे, उमर योगी जी मोदी जी आ करके उनको स्थान दिलाया है, तो मैं इस दीपावली से बढ़ के भी इस पर्व को मनाने की मैं सोच रहा हूँ। क्या करेंगे कि ये दिन खास रहे? अरे बिल्कुल खास रहेगा, इतना कुछ करेंगे खास हो जाएगा। जैसे दीपावली खास होती है उससे भी बढ़ के मनाएंगे इसको और खास करेंगे 22 तारीख को। क्या लग रहा है जनता इस बार कितने झूम उठेगी? जनता तो झूम उठेगी जिसको राम से प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, राम से लगाव होगा, राममय होगा तो जनता झूमेगी। जिससे भगवान से, जैसे बहुत सारे ऐसे दुष्ट हैं जिनको भगवान को पहुँचते हैं इनके कहाँ के जन्मे थे, भगवान कहाँ के हैं ना, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो राममय है उसको फर्क पड़ेगा, वो मनाएगा धूमधाम से मनाएगा। राम मंदिर के तैयारियों को लेकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सभी जिला कोई भी हो या पूरा भारत ही मान लें, जगह जगह कोई दीपावली मनाना चाहता है तो कोई घर में झंडा लगाना चाहता है। इसी को देखते हुए मार्केटों में झंडे और चुन्नी और टी शर्ट में राम लिखा हुआ है, जैसे ये सब बहुत बिक्री तेजी से होने लगा है। आपको बताते थे मैं इस समय मौजूद हूँ कानपुर नगर के लाल बंगले में फूल वाली गली, जहाँ पर कुछ लोगों से बात की गई है और जाना गया कि क्या लग रहा है 2024 में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है इसको कुछ लोग इस तरह से मनाना चाहते हैं कि यादगार रहे वो दिन, कि हम लोग भूले ना, और यादगार रहे वो दिन किस तरह से मनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा यादगार रहे। वहीं देखा जाए तो मार्केटों में झंडे व टी शर्ट व चुन्नी राम जी की लिखी हुई की बिक्री अधिकतर बढ़ गई है। व्यापारियों से ये कहने लगे कि इसका स्टॉक बच नहीं पा रहा है और स्टॉक इतना था मेरा सब खत्म हो गया, लगातार चुन्नी और ये झंडे बिक्री होते नज़र आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है 22 तारीख अभी आई नहीं है, 22 तारीख तक आते आते क्या व्यापारी भी खुश हो जाएंगे और इस राम मंदिर के निर्माण को किस तरह से मनाएंगे, उसी को देखते हुए हर कोई चाहता है कि मैं राम मंदिर की दीपावली मनाना चाहता है, कोई झंडे लगा कर मनाना चाहता है, हर तरह से लोग मनाने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर में जबकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और दर्शन वहां पहुंच ही रहे हैं, दर्शन का तो पता नहीं हो पाए कि ना हो, जिस तरह से पहुंच रहे हैं लोग पहुंचने की वो कर रहे हैं कि मैं वहीं जा कर मनाऊँ और किस तरह से धूमधाम से मनाने का प्लान कर रहे हैं। इसी के बीच कानपुर में भी ऐसे ही उत्साह लोग भी देखने को मिल रहे हैं कानपुर नगर से।